अरे जसोलरी धरती में धारो देव दो रीमा जी सामारी माँ ओ ओ जसोलरी धरती में धारो दे तारा टावरी उड़ी के तारी बाजो मारी माजी मैं तो हूँ दीवानों का देना
भलो मारी चोग मारा ए तो बाजिया रा ए तो बाजिया रा पालनिया बनावो जी भलो मारी माजी सा मित्र लोग हल्दी लगा रहा है हमारी हल्दी रो रंग सुरंगी आनी पीजे मारी मारो हल्दी रो रंग सुरंगी निपजे हल्दी मोनावे बनारा बाबोता बनारा बाबोता हल्दी रंग चढ़ियो ए मोलावे रामदेव जीरा पीरे हल्दी रंग रे मारी हल्दी रो रंग सुरंगी आनी पीजे मारी हल्दी रो रंग सुरंगी आनी पीजे मारे एक लेना अशोक जी भी गाएंगे बारात चढ़ी आज अरे घोड़ी करे जी हाथाई दाता जान चढ़ो राम देव जी दाता ये घोड़ी करे रे जीरा आका जी दाता जान चढ़ो राम देव जी दाता अरे घोड़ी करे जी आबाई धाबा जान चढ़ो अरे घोड़ी करे आ तो आबाजी दाबा जान से डो राम देव जीरा बाबा तेल चढ़ी ने तल जो वे बाटा तेल चढ़ी ने तल जो वे जी बाटा जान से डो राम देव जीरा बाबा अरे तेल चढ़ी रे नाजू जो वे बाटा तेल चढ़ियो ने तल जो वे बातो जान चढ़ो राम देव जीरा जोरदार तालियां बजाए घोड़ी करे जी हाथाई दाता जान चढ़ो राम देव जीरा बना समारो केसरियो हजारी जारी खुली रो खुली बना उबाओ मैं जोड़े से खड़ा कर दूंगा ध्यान रखना ए बना समारो केसरियो हजारी खुली रो रे फूली हजारी रे खुली रो रे फूली चंपारी हंजारी रे गुलेरो फूले ये सब पेड़ी रे
सभी लोग उचरी बाजी ये साथी ना दीन जीरा लाग। अरे भाई भाई मादरियो ये मंत्रावे ने ये भुचरे बांधी मंत्रावे ये भुचरे बांधी भवर जी ने निजरा लागे ये पीरा मारा अड़के धड़के चौबटी मती जाई सावटी ये मती जाई ये चोरा सादी निजरा ए पीरा मारा धड़ी के अरे बागों में मती जादे बागों में मती जादे इंदिरा मालड़ी नजीरा लादे ए पीरा मारा अड़के धड़के चौबड़ी ना मती जाई सबरिया में मती जा ये सासू जीरी निजीरा अरे छोड़ दे ला गांव घोड़ो फेर दे ओ लाडला छोड़ दे ला गांव घोड़ो फेर दे ओ लाडला बोली रामदेव जीरी दान हलावे लिया छोड़ दे ला गांव घोड़ो फेर दे ओ लाडला। रामदेव जी महाराज री दो महीना थी, मैं आपने पहले निवेदन किया कि धनरूप सिंह जी रामदेव जी महाराज रा काका था और धनरूप सिंह जी की दो बेटियां थी, एक रो नाम लाछाबाई तो दूसरी सुगना थी। लाछाबाई रो ब्याह पोकरण में कियो गयो। लाछाबाई और सुगनाबाई ने बीकानेर जिले में पुंगलगढ़ गांव में पुंगलगढ़ रे पड़िहार और विजय सिंह जी रे साथ में सुगनाबाई रो लगन हुआ और पुंगलगढ़ रा पड़िहारों ने अपने क्षत्रिय होने रो बड़ो अभिमान। तो रामदेव जी महाराज सामान्य गरीब आदमी की सेवा करता, रामदेव जी महाराज ऊंच नीच रो भेदभाव नहीं मानता, रामदेव जी महाराज असहाय पीड़ित लोगों की सेवा करता। और इन बात सो पुंगलगढ़ा पढ़ियार बड़ा बड़ा क्रोधी क्रोध में था, पुंगलगढ़ा पढ़ियार बड़ा नाराज था और इन वास्ते सुगना भाई ने 12 साल तक सुगना भाई ने पीहर नहीं भेजी। देखिए अठीने सुगना भाई अपने भाई अपने माता पिता अपने पीहर ने याद करता था का आंखों में आंसू उड़ा ढलकावे बोली बीरा मारा रामदेव सुगना दी विनती विदा के तो आजा बीरा रामदेव नहीं तो लिख भेज संदेह जी नेड़ों में आंसू पड़े जो सावन बरसे। अठीने सुगना भाई उदास उठीने मां उदास, तो माँ जब रामदेव जी महाराज ने कहो तो रामदेव जी महाराज कहो कि माँ चिंता मत कर, मैं अभी प्रबंध करूं सुगना ने लाने रो। बाबा रामदेव जी महाराज रा एक खास भगत था जारो नाम तो रत्नो राय को। रामदेव जी महाराज रत्ना ने बुलाए, रत्नो हाजिर हो गए, बोले बाबा हुक्म कराओ। बोले कि हुक्म नहीं पुंगलगढ़ जानो है। रत्नो बोले कि गांव अब यूं तो कोई गयो तो मरुला। रत्ने दिमाग लगा और एक मरियल सी एक सांड थी दुबली सांड, बोले कि या तो ना पुगे रस्ते में आ मर जाए, मैं पाछो हार कह दूंगा बाबा सांड मर गई बीजो। रत्न राय को वह मरियल सी सांड ली। जब पोंगलगढ़ ने मार के रवाना हुए, बाबा रामदेव जी महाराज ने ऐसी कृपा हुई कि वह मरियल सी सांड बाबा रामदेव जी महाराज ने कृपा सो पोंगलगढ़ की तरफ भागती हुई जा रही। रत्न रे मन में भरोसा हो गया कि मारो बाबो मने मरने नहीं देला। अब रत्नो राय को तो वो तो बाबा री मस्ती में भक्ति में मगन हो,
पुराने जमाने में कई सिस्टम था, रावड़ा में घोड़े चढ़ियोड़ो सांड चढ़ियोड़ो अंदर नहीं जानो, साफो नहीं पैर तो ठाकुर साहब मिल जाता तो खम्मागणी अंदर था, पगों में पड़नो पोतियों मिलनो पड़तो। रत्ना ने ये सारी बातों कोई पतो नहीं, रत्नो जो ही पुंगलगढ़ में प्रवेश कियो जार सीधो रावड़ा में सांड पर बैठो बैठो चलो गयो। सामने सुगनाबाई का पति देव विजय सिंह जी बैठे और सांड रे ऊपर बैठो बैठो जब रत्ना ने आओ तो देखियो तो दूर से आवाज लगाई, बोले आज कौन है, थोड़ी बहुत मर्यादा नहीं जाने, रावणा में सांड ऊपर बैठो बैठो आ गयो, कौन है थारो नाम का ही है। रत्नो बोले कि हो तो मुंह रत्नो कठू आयो, बोले कि रामदेव रासु, मारा बाबा रामदेव जी मैंने भेजो है। इतनी बात करते ठाकुर साहब रो क्रोध और बढ़ गयो, बोले कि चुप खबरदार है, और बोलिया अरे उनरे कामड़िए जो रत्ना नाम मती लीजे, उनरे कामड़िए जो रत्ना नाम मती लीजे, घेरोला खेतड़ी रे माई जियो, घेरोला खेतड़ी रे माई जियो, खम्मा 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 वो राजा है लो सांबलो